ये सभी पंप से हिमांशु जी, उमेश वाष्णे जी और सब सम्मानित कर रहे हैं। अभी जो तापमान इसका आ रहा है प्रोडक्ट का, वो आ रहा है 32 डिग्री सेल्सियस अभी का फिलहाल का, और हाइड्रोमीटर हमने लिया था 700 डिग्री। टैंक का हमारा तापमान क्या है, यहाँ पे तापमान लिखा है और यहाँ पे हाइड्रोमीटर की रीडिंग लिखी है, जिसकी वजह से हम मेजर होते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास क्या था। तो अगर हम यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस पे चेक करते हैं 734 हाइड्रोमीटर पे, तो जो डेंसिटी हमारे पास आ रही है वो 749.1 आ रही है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि हम आज आए हुए हैं नगर का आहर बाईपास स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर, जहां एक कार्यक्रम चल रहा है जो कि कंपनी से आए हुए जितने भी कंपनी की टीम है वो बता रही है कि किस तरीके से नायरा जो आपको पेट्रोल और डीजल दे पा रही है उसकी माप और गुणवत्ता के बारे में। तो चलिए मैं उन्हीं अधिकारियों से आपके रूबरू कराता हूँ कि क्या कहना है उनका इसका। चलिए मेरे साथ। 821 डिग्री का हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर की रीडिंग हम पहले लेंगे वो 821 है। अब हम थर्मामीटर की मदद से तापमान नापेंगे कि प्रोडक्ट का तापमान क्या है। ये आपको एक पारा जो है ये 30 है, ये 31 है, 31.5 है और ये 32 है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 32 टच नहीं कर रहा है, ये 31.5 पे। अभी जब हमने 2028 तक वैलिड है, तो इस तरीके से आप ये चेक कर सकते हैं कि जिन इक्विपमेंट से आप डेंसिटी जांच रहे हैं वो सही है कि नहीं। डेंसिटी जांचने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि आपने पेट्रोल ले लिया, पेट्रोल की डेंसिटी जांचने के लिए आपको हाइड्रोमीटर और थर्मामीटर की सहायता से ये जांचना होता है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर कितना हमारे पास डेंसिटी आ रहा है। तो उसका तरीका जो 750 से 800 के बीच में होता है, तो पहले हम हाइड्रोमीटर से हाइड्रोमीटर की रीडिंग जांचते हैं, फिर थर्मामीटर के माध्यम से ये जो प्रोडक्ट है इसका तापमान नापते हैं। हाइड्रोमीटर और तापमान को मिला के हम ये देखते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस पे आज जो अभी हम डेंसिटी ले रहे हैं वो डेंसिटी कितनी है। सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से जोड़ने जा रहा हूँ वो पेट्रोल की गुणवत्ता और उसकी नाप को लेकर है। मेरे बराबर में खड़े हुए हैं उमेश चंद, पेट्रोल पंप मालिक है नायरा से, और नायरा से ही आए हुए हैं विपणन अधिकारी वैभव त्यागी जी, और हिमांशु जी बड़े मेरे खड़े हुए हैं उनके बराबर में ही है। मैं उनसे जानकारियाँ करूँगा, आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, ये क्या कार्यक्रम है? देखिए, ग्राहक को जागरूक करने के लिए हम लोगों ने आज गुणवत्ता और माप की जांच कैसे की जाती है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन सभी ग्राहकों को दिया। हर पंप के ऊपर एक डेंसिटी किट उपलब्ध होती है, एक 5 लीटर का कैलिब्रेटेड मेज़र उपलब्ध होता है, पर ग्राहक को इसके बारे में जानकारी नहीं है। आज ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित करने का मकसद ये था कि हम उन्हें बता सकें कि इन डेंसिटी किट और इन 5 लीटर के कैलिब्रेटेड मेज़र के द्वारा हम कैसे माप और गुणवत्ता जाँच सकते हैं। उसके बारे में हमने बताया कि माप आपको किस तरीके से भरना होता है, डेंसिटी आपको किस तरह चेक करनी होती है, और ये डीजल और पेट्रोल दोनों के लिए लागू होता है। दूसरा, पेट्रोल के लिए वॉटमैन 2 फिल्टर पेपर के द्वारा हम कैसे जांच कर सकते हैं कि उसमें मिलावट है या नहीं, ये डिमॉन्स्ट्रेशन आज यहाँ दिया गया। अच्छा, इसमें ऐसा भी है जैसे हम कभी चाहें कि आज तो हम पेट्रोल ले जा चुके हैं, हम चाहते हैं कि जाँच हमारी कल होनी चाहिए, तो ऐसा भी हो सकता है?
देखिए प्रोडक्ट जो टैंक के अंदर है वो रेगुलर बेसिस पे खाली होता रहता है क्योंकि बिकता रहता है। जब तक नई गाड़ी नहीं आई है, आप कल लेके गए हैं तो वो प्रोडक्ट टैंक में है तो वो संभव है, बट अगर आपके जाने के बाद नई गाड़ी आ गई है तो वहाँ नई डेंसिटी आ जाएगी। हर प्रोडक्ट की डेंसिटी अलग है। माप के बारे में जानकारी कर रहा हूं। हमें कैसे पता लगेगा कि माप आप कभी भी जब भी आप चाहें कभी भी चेक कर सकते हैं। हर पेट्रोल पंप के ऊपर एक 5 लीटर का कैलिब्रेटेड मेजर होता है, वो आप कभी भी भरवा के देख सकते हैं, सुबह दोपहर शाम आज कल परसों। अगर वो माप पूरा भर रहा है तो इसका मतलब मशीनें पूरा तेल आपको दे रही है। वो दे दिया। हिमांशु जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि अभी मैसेज चला था कि सारे पेट्रोलों से नायरा का 1 रुपया लीटर कम, ये क्या था? मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले सभी सम्मानीय कस्टमर्स का, जो आपके व्यूवर्स हैं सबका और आपका सभी का धन्यवाद करूँगा, और आपके माध्यम से ये सूचना पहुँचाना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि 1 रुपये की स्कीम चली थी मार्केट रेट से सस्ता, जो कि हमारी तरफ से नहीं चलाई गई थी, वो पूरे हिंदुस्तान में स्कीम नायरा एनर्जी लिमिटेड के द्वारा चली गई थी। नायरा ऑफिशियल्स के द्वारा हमें दी गई थी दिशा निर्देश। उसके पीछे कारण ये था कि हमारी कंपनी एशियन कंपनी है और अभी इंडिया में आई है। अपनी कंपनी को प्रमोट करने के लिए, अपनी कंपनी तक, अपनी कंपनी के पेट्रोल पंप पर कस्टमर्स को लाने के लिए और अपनी क्वांटिटी क्वालिटी बताने के लिए एक बार कस्टमर्स आए और इस ऑफर को लेने के साथ में हमारा क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करें, और उसके साथ जब वो महसूस करेंगे कि मार्केट में जो और पेट्रोल पंप हैं उनसे हमारी कंपनी अग्रणी है, तो जब एक बार वो आएंगे तो वो अपने आप ही फिर आते रहेंगे जब उनका एवरेज अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए ही कंपनी ने, नायरा ऑफिशियल्स ने पूरे हिंदुस्तान में स्कीम चलाई थी 1 रुपये लीटर की। अच्छा मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि क्षेत्रीय जो ग्राहक है वो आपके सभी पंपों पर विश्वास करता है, उस विश्वास को जीतने के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये प्रश्न तो मैं उपकार मानूंगा हमारी प्यारी जनता का, आप सभी का, जो हम लोगों पर इतना विश्वास करते हैं अटूट। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि गुणवत्ता और माप दोनों ही चीज़ें इस पर सबसे ज़्यादा निर्भर करती हैं, और उसके साथ ट्रस्ट। एक ट्रस्ट चीज़ ऐसी है कि यदि कस्टमर्स ने आप पर भरोसा कर लिया, जब वो पैसे देता है तो हमारे पेट्रोल पंप पर आकर वो ये नहीं देखता है कि ये मशीन में कितना मैं ले रहा हूँ, बस ये देखता है कि मैं यहाँ आ गया और 100 रुपये मैंने दे दिए, मुझे चीज़ पूरी मिल गई। बस वो ट्रस्ट को हम बनाए रखने के लिए पूरी मेहनत करते हैं और कस्टमर के साथ अपना एक रिलेशन बनाने के लिए मेहनत करते हैं। और क्या कहना चाहते हैं विप्रव अधिकारी जी के, जिससे कि कस्टमर और ललायत हो नायरा की तरफ? देखिए मैं सभी सम्मानित ग्राहकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो समय निकाल के आए और उन्होंने ये प्रोसेस समझा कि कैसे हम ये जांच कर सकते हैं। वो जब भी चाहें हमारे आउटलेट पे आके ये जाँचें कर सकते हैं एनी टाइम, और इस जांच के माध्यम से उनका विश्वास हमारे तरफ बढ़ेगा कि हम जो प्रोडक्ट यहाँ पे दे रहे हैं उसकी गुणवत्ता और माप पूरा है, और इसके माध्यम से वो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मेरे साथ हिमांशु से छोटे भाई क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ आप भी निरंतर पेट्रोल पंपों पर मौजूद रहते हैं, ग्राहक की संतुष्टि करते रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उन ग्राहकों से? मैं हमेशा पेट्रोल पंप पर उपस्थित रहता हूँ यही सब चीज़ देखने के लिए, ग्राहक को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो, और हम लोग सर्विस करने के लिए ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग कभी ऑफिस वगैरह में नहीं बैठते हैं क्योंकि हमारे लिए ग्राहक सबसे पहले है, तो हम उसके लिए खड़े होते रहते हैं। उनके लिए कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है हम सबसे पहले ग्राहक को देखते हैं, किसी भी चीज़ को सब चीज़ को छोड़ देते हैं, हमारे सब काम होते हैं, और जो ग्राहक कहता है हम ग्राहक की पहले सोचते हैं, और बस ये मेरे साथ पूरी टीम है, मैं समझता हूँ वेदपाल एंड कंपनी की, क्योंकि उमेश कुमार एंड कंपनी की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम ग्राहकों को संतुष्ट करते हैं। और नायरा जो आपको मैं समझता हूँ आपको पैसे ले रही है, तो उसके बदले में आपको सही माप और सही गुणवत्ता भी दे रही है, ये कहना है नायरा की पूरी टीम का। तो चलिए मेरे साथ हम चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लिंक को शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे कि हम नायरा की जो नायरा से जो अधिकारी हैं उनसे हमारी जो बात हुई है वो और ग्राहक और उपभोक्ता तक ज़रूर पहुँचे। चलिए मेरे साथ।